वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने एग्जिट पोल पर कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, मतदान का एक पर्व की तरह मनाया गया है और यह अलग अलग एजेंसियों और चैनलों के सर्वे के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त विश्वास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनेगी। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में सफलतम तरीके से संपन्न हुए हैं। मैं देश के चुनाव आयोग को, इस चुनाव अभियान में जुटे लाखों सरकारी कर्मचारियों को, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य राज्यों की राज्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, चुनाव आयोग और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं और देश की जनता का धन्यवाद करता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनावों को सफल बनाने में जनमानस ने, देश की जनता ने चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन और चुनाव अधिकारियों का पूरा सहयोग किया। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, बंपर वोटिंग पूरे देश में हुई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक, पूरे भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव एक पर्व की तरह मनाए गए। मैं हृदय से देशवासियों का धन्यवाद करता हूं और चुनाव आयोग समेत इन चुनावों को सफल बनाने में जिसने भी अपना योगदान दिया उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अलग अलग टेलीविजन चैनल्स और अलग अलग एजेंसीज ने जो सर्वे किए हैं उन सर्वों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। पुनः तीसरी बार देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर